अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ऐसा कोई दिन नहीं जब मुझे ये मैसेज ना आए कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब निकलेगा, चाहे हम 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें। ठीक है, आपने बहुत टाइम पहले रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है लेकिन अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हम बात करें कब आपका रिजल्ट आएगा, एंड मैंने वो टाइटल क्यों रखा है रिवैल्यूएशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड, एंड साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का अगर किसी को मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये टाइटल भी मैंने क्यों रखा, बिकॉज बहुत सारे मुझे डीएम कर रहे थे, बता रहे थे रिवैल्यूएशन रिजल्ट निकला है क्या, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ वेबसाइट दिखाई, वहां पे सीधे लिख के कि रिवैल्यूएशन रिजल्ट डिक्लेयर कुछ ऐसा वैसा। तो मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, पहली बात मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जिनका रेपियर है एंड उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, तो मेहरबानी करके रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। जो आपका बायनुअल का एग्जाम है, फॉर एग्जांपल हम 10th की बात करें या 12th की बात करें, उनका तो 13 और 14 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यही 9-10 दिन बचते हैं आपके पास। तो मेहरबानी करके रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। अब आप ही मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल आपका खुदा ना खास्ता रिवैल्यूएशन में क्लियर नहीं हुआ सब्जेक्ट, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक दो दिन में फिर क्या पढ़ोगे, ये भी तो सोचो। अभी तक भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी से स्टार्ट कर दो, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, मेहरबानी करके अब तो स्टार्ट करो यार, फिर कब करोगे। तो यही मुझे कहना है कि मेहरबानी करके रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर आपकी किस्मत हुई तो आपका क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, अगर नहीं फिर तो आपको बायनुअल देना ही देना है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं आपका रिवैल्यूएशन रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैंने अभी जस्ट जेके बोस ऑफिशियल से बात करी तो उन्होंने यही बोला, अगर हम 10th की बात करें और 12th की बात करें तो उनके एग्जामिनेशन से पहले ही रिवैल्यूएशन रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज अब खुद भी सोचो, इस बात का तो कोई सेंस नहीं होगा कि आपके बायनुअल के बाद रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाए, मुझे तो नहीं लगता इसका कोई सेंस बनता है। बिकॉज ये जो रिजल्ट्स है वो आपके एग्जामिनेशन से पहले ही आने चाहिए, एंड उन्होंने भी यही बताया कि एग्जामिनेशन से पहले ही आएंगे। तो मुझे जो लगता है, ये जो हफ्ता है, आज तो मंडे है, तो मंडे टू सैटरडे इसके बीच मेरे हिसाब से तो आना चाहिए रिजल्ट आपका। ठीक है, बाकी अगर हम 11th की बात करें उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। अगर उनका भी बायनुअल एग्जाम 20-25 से हुआ तो आफ्टर 10 सितंबर उनका भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बिकॉज मुझे जो जेके बोस ऑफिशियल ने बोला, उन्होंने यही बोला कि एग्जामिनेशन से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने बायनुअल एग्जामिनेशन पे फोकस अच्छे से करें। और साथ ही साथ नीचे कमेंट्स में ये मेंशन करें कि आप किस क्लास का एग्जाम देने वाले हो, मतलब बायनुअल में आप किस क्लास का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, सो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।